नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निश्चित रूप से प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए डेली की तरह हम लोग सेशन की शुरुआत करें। यहाँ देखिए चार लाइन सुंदर सी आपके लिए लिखी गई है। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक दे। ठोकरे कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहती हैं देख लेंगे। मतलब निरंतरता आपके लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा करते रहे और अपना 100% देते रहे तो यकीन मानिए सफलता आपसे दूर रहने वाली नहीं है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना ही गुजारिश रहेगा कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन आपके लिए और आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें। देखें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए पहला दिया गया है, हाल ही में किसान दिवस किस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। देखिए पहला दिया गया चौधरी चरण सिंह, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी, तीसरा श्रीनिवास रामानुजन और चौथा दिया गया है सुभाष चंद्र बोस। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा, विकल्प नंबर ए सही होगा, चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात करें दिवस की तो कौन सा दिवस है, तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी में हमें जो दिसंबर माह है, इस दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान रखना है। और यहां चौधरी चरण सिंह से आपको याद रखना है, भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में कौन थे, तो भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे। और इन्हीं का जो जयंती होता है उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें यहां महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में, तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस को किस अवसर पर मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और श्रीनिवास रामानुजन की बात करें तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 दिसंबर कब 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में सुभाष चंद्र बोस जी से अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और यह किससे संबंधित है, तो यह सुभाष चंद्र बोस जी से संबंधित है। इसी क्रम में दिसंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, इनको पुनः रिकॉल कर लें। अगर बात हो 1 दिसंबर की तो आपको नहीं भूलना है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, कौन सा, विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां 4 दिसंबर की तो राष्ट्रीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यही बात हो 5 दिसंबर की तो आपको नहीं भूलना है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 10 दिसंबर की तो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 16 दिसंबर की बात करें तो विजय दिवस के रूप में आपको याद रखना है। साथ ही साथ 19 दिसंबर की बात करें तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में। और अगर हम बात करें यहाँ 24 दिसंबर की तो आप याद रखेंगे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 25 हमने बात कर लिया है, 26 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यकीन मानिए दिसंबर माह के ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। अगर इनका इतना दिवस आपको याद है तो यहां से प्रश्न बनने वाले आपके गलत होने वाले नहीं है। इसी क्रम में आइए स्टैटिक जीके के रूप में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सेमीकंडक्टर नीत 2022 से 27 शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। विशाखापट्टनम में उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य उत्सव का आयोजन किया गया, तो किसकी अध्यक्षता में, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की अध्यक्षता में किया गया है, यह भी याद रखेंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें, हाल ही में चर्चा में रहा किस संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया,
यहाँ संस्थाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो बात करें पहला विकल्प नीति आयोग, दूसरा दिया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, तीसरा वित्त मंत्रालय, चौथा शिक्षा मंत्रालय। जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर 20 सही होगा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। ये अधिनियम किस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था? तो अधिनियम 2016 के आधार पर। और इसका कार्य क्या है? तो आधार का निर्माण जो है ये कौन सी संस्था के द्वारा बनाया जाता है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसे उदय के नाम से भी जाना जाता है। और किस अधिनियम के द्वारा? 2016 अधिनियम के द्वारा। और आधार का निर्माण करता है और इसी संस्थान को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी क्रम में को नहीं भूलना है। अगर नीति आयोग के बारे में बात करें तो सरकार की, भारत सरकार की थिंक टैंक कही जाने वाली संस्था कौन है? तो नीति आयोग है। और इसका गठन कब होता है? 1 जनवरी 2015 को होता है। किसके स्थान पर? योजना आयोग के। पहले इसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? अरविंद पनगड़िया को। अब वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और अगर हम बात करें यही सीईओ के रूप में तो परमेश्वरन अय्यर हैं, यह भी ध्यान रखना है। इसी क्रम में वित्त मंत्रालय को आपको नहीं भूलना है। वित्त मंत्रालय की बात करें तो आप याद रखेंगे वित्त मंत्रालय की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। और अगर हम बात करें यहां कि वित्त आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 280 में वर्णित है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है वित्त मंत्रालय के पहले वित्त मंत्री कौन थे भारत के? तो षटमुखम शेट्टी जो थे ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे, आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें वित्त आयोग की, पहले वित्त आयोग के प्रमुख कौन थे? तो के सी नियोगी वित्त आयोग के पहले प्रमुख थे। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग? 15वां वित्त आयोग, एन के सिंह जी जो हैं ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आप ध्यान रखेंगे शिक्षा मंत्रालय के बारे में। पहले यह मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय किया गया है। और आप ध्यान रखेंगे इसके केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं यहां के केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही साथ आपको याद रखना है भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो 1986 ईस्वी में लाई गई थी। और पहली बार 2020 में आप ध्यान रखेंगे 34 वर्षों के बाद पहली बार किया गया। किस आयोग की सिफारिश पर? के कस्तूरी रंगन आयोग की सिफारिश पर। और नई शिक्षा नीति लागू किया गया। यहां पर आपको ध्यान रखना है प्राइमरी स्तर पर कौन लागू करने वाला पहला राज्य है? तो यह उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है। और उच्च स्तर पर घोषणा करने वाला कौन है? तो गोवा है, यह भी ध्यान रखना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। EFIR प्रणाली की शुरुआत की किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा किया गया। अगर बात करें 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है, याद रखेंगे। अगला हमारा, हाल ही में किस राज्य के द्वारा अरुणोदयी 2.0 योजना प्रारंभ किया गया है? आपने नाम याद रखेंगे अरुणोदयी 2.0 योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यहां देखिए पहला दिया गया है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा दिया गया है मणिपुर, चौथा दिया गया है असम। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये विकल्प नंबर डी सही होगा, असम राज्य में महिलाओं के विकास से संबंधित एक योजना प्रारंभ की गई थी। और ये पहले कब प्रारंभ की गई थी? 2020 में। और इसी की सफलता के कारण इसका 2.0 योजना प्रारंभ किया गया। और ये योजना का नाम क्या है? तो अरुणोदयी 2.0 योजना है, जो कि महिलाओं के विकास से संबंधित है। इसमें कंपनसेशन देने की व्यवस्था की गई है, कितना है? तो 1250 रुपए
रुपया 1250 रुपया प्रति माह जो है ये कंपनसेशन देने की बात की गई है। अगर हम बात करें असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। क्या है? दिसपुर जो है ये असम राज्य की राजधानी है। और हेमंत विश्व शर्मा जी जो हैं ये क्या हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यह भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य है जो अपने सभी राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये असम राज्य जो है ये पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य है। इसी क्रम में आपसे पूछा जा सकता है काजीरंगा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, तो ये असम राज्य से है। कहां से है? असम राज्य से है। और आप ध्यान रखेंगे एक सींग वाला गैंडा कहां पाया जाता है, तो भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। एडोप ऑफ यूनिकॉर्न का संबंध कहां है, तो गैंडों के सींग से राख प्राप्त करके उससे गैंडे का चित्र बनाया गया है, इसी को एडोप ऑफ यूनिकॉर्न कहा गया है। और इसका मैसेज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो गैंडों के संरक्षण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको याद रखना है रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकोई नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है, या नवीनतम नेशनल पार्क कौन से हैं, तो ये सारे असम राज्य से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में याद रखेंगे भारत में तेल का कुआं सबसे पहले कहां खोदा गया था, तो असम राज्य के डिगबोई में खोजा गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। असम का पुराना नाम पूछा जाता है तो कामरूप जो है मित्रों असम का पुराना नाम है। साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर कामरूप कहां पर स्थापित किया गया है, तो आईआईटी गुवाहाटी जो है यहां पर स्थापित किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। यहां देखिए आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, ईटानगर। और हम बात करें अगर तो यहां पर हाल ही में डोनी पोली हवाई अड्डा बनाया गया, और इसका अर्थ क्या है, सूर्य चंद्रमा इसका अर्थ है, यह भी ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में रिवीजन की सीरीज को पुनः देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहां से की गई, तो आप ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, और कहां से, गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य की राजधानी है। अगर पूछा जाए नमस्ते नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है, और इसके केंद्रीय मंत्री कौन है, वीरेंद्र सिंह है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो समाज के ऐसे व्यक्ति जिनका संपर्क सीधे गंदगी से होता है उनको गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है नमस्ते योजना। आइए दोस्तों अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। हाल ही में एक अंगूठा संगीत कार्यक्रम डांस टू डीकार्बोनाइज का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया, देखिए पहला दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, और चौथा दिया गया इनमें से कोई नहीं। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। अब यहां ध्यान दें इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए डांस टू डीकार्बोनाइज मतलब यहां आप समझें कि कॉप 26 जिसका आयोजन ग्लासगो में किया गया था उसमें भारत के द्वारा 2070 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की गई है। और यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना है और उपभोग को बढ़ाना है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक वाहन जो होंगे उनका प्रचलन में ज्यादा शामिल किया जाना मुख्य उद्देश्य है। और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है कि डांस के आधार पर जो ऊर्जा निकलती है उससे आपकी व्हीकल या आपका जो वाहन है वो चार्ज किया जाएगा, जिससे क्या होगा कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और आपके शरीर से शुद्ध ऊर्जा जो निकलेगी उसके द्वारा आपके इंस्ट्रूमेंट जो होंगे या जो वाहन होंगे उनकी चार्जिंग की जानी है। और यह पहल किसकी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पहल है। इसी क्रम में अन्य मंत्रालय भी काफी महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है स्मृति ईरानी है, इनका एक प्रमुख किताब है याद रखेंगे लाल सलाम। कौन लाल सलाम किसकी बुक है, तो स्मृति ईरानी की है, यह भी याद रखना है। इसी क्रम में
आपसे पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसके पास है, तो यह स्मृति ईरानी जी के पास है। साथ ही साथ आपसे पूछा यह भी जा सकता है राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्षा कौन थी, तो जयंती पटनायक थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और वर्तमान में कौन है, तो रेखा शर्मा है, यह भी ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा, तो अधिनियम 1990 के द्वारा किया जाता है। इसी क्रम में ध्यान रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय की, तो इसकी गठन 2019 में होता है, और इसके केंद्रीय मंत्री पहले कौन होते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, और वर्तमान में कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। और इसी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में नमामि गंगे योजना जो है, गंगे योजना, ये शामिल है, और इसको यूएन के द्वारा 10 पुनर्जीवित योजनाओं में शामिल किया गया है, यह भी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हर घर जल का लक्ष्य कब तक का रखा गया है, तो 2024 का रखा गया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया है, पहला राज्य कौन सा है, तो यहाँ स्थान पे उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे, और तमिलनाडु तीसरे स्थान पे है, यह भी ध्यान रखना है। अमृत सरोवर के क्रियान्वयन की बात की जाए, सबसे पहला भारत में अमृत सरोवर का क्रियान्वयन रामपुर उत्तर प्रदेश में होता है, और उत्तर प्रदेश क्रियान्वयन में सबसे पहले स्थान पे है, यह भी आपको याद रखना है। और जल दिवस कब मनाया, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है, ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में यहां रिवीजन पुनः देख लें। नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया, किस मंत्रालय की पहल पर, पंचायती राज मंत्रालय, यहां के केंद्रीय मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह है। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा, तो आप ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, और इसका लंबाई कितना है, 296 किलोमीटर है। साथ ही साथ आपको याद रखना है यहां से, अगर पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कौन सा है, तो 13 एक्सप्रेसवे वाला राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, और अर्द्र भूमियों की संख्या में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। साथ ही साथ भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी, साथ ही साथ ब्रह्मोस भी निर्माण अकादमी कहां बनाई जा रही है, तो यह लखनऊ में बनाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में पहली बार वीर गार्जियन हवाई युद्धाभ्यास किस देश के साथ आयोजित किए जाए की घोषणा किया गया है, तो देखिए पहला दिया गया फ्रांस, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, तीसरा चौथा दक्षिण कोरिया। यहां जो विकल्प हमारा विकल्प नंबर बी सही होगा, जापान। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। और हम लोग पहले से ही जापान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के नाम जानते हैं। अगर पूछा जाए धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और जापान के बीच में। साथ ही साथ अगर हम बात करें जाइमैक्स युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, भारत और जापान के साथ। साथ ही साथ मालाबार युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, तो यह भी जापान के साथ आयोजित किया जाता है। लेकिन वायुसेना का एयरफोर्स का पहला युद्धाभ्यास कौन सा है, तो इसका नाम रखा गया है वीर गार्जियन रखा गया है, और इसमें एयरफोर्स, दोनों देशों के एयरफोर्स शामिल होंगे, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपको याद रखना है भारत का सुखोई विमान के बारे में, यह भारत का पहला, इसका नाम आप याद रखेंगे IL-78 है। और आप ध्यान रखेंगे हवा में ईंधन भरने वाला भारत का पहला विमान कौन है, तो सुखोई विमान है, यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगर हम बात करें युद्धाभ्यासों की, तो फ्रांस के साथ कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है, गरुण युद्धाभ्यास, साथ ही साथ वरुण युद्धाभ्यास, और आप याद रखेंगे वरुण युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ किया जाता है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास, टाइगर ट्रंप युद्धाभ्यास, और आप याद रखेंगे यहीं पर मालाबार युद्धाभ्यास,
और आप याद रखेंगे रिम पैक और साथ ही साथ बोस्टॉक युद्धाभ्यास का आयोजन किन देशों के बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजन किया जाता है। यहां बार बार मालाबार आ रहा है तो आप ध्यान रखेंगे मालाबार जो है ये क्वाड देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है। क्वाड देशों में इंडिया है, जापान है, यूएसए है, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ये चार देशों के समूह को किस देश के नाम से जाना जाता है? क्वाड देशों के नाम से जाना जाता है। आइए इसी क्रम में रिवीजन को पुनः देखें। अर्न विथ लर्न योजना किस सरकार की पहल है? तो ये त्रिपुरा सरकार की पहल है। और अब ध्यान रखेंगे लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जाएगा। यह भी याद रखें।